जरा जोर से लगाइए। मित्रों आज धारा 370 हटने के बाद मोदी जी ने वादा किया था कि हम जल्द से जल्द चुनाव कराएंगे। चुनाव के लिए परिसीमन जरूरी था, क्योंकि पहले जो परिसीमन हुआ था ये तीन परिवारों ने अपने लिए किया था। परिसीमन आयोग के नियमों के अनुसार नहीं किया था। पहली बार आजादी के बाद परिसीमन हुआ और ये पहाड़ी क्षेत्र की सीटों में बढ़ोतरी हुई है भाई, बढ़ोतरी हुई। परिसीमन के कारण राजौरी, पूंछ, डोडा, किश्तवाड़ जिन लोगों को अन्याय होता था, वो अन्याय को मोदी जी ने एक झटके में परिसीमन की प्रक्रिया शुरू कर समाप्त कर दिया। मित्रों यहां सालों से लखनपुर टोल टैक्स का बूथ लगा था, मालूम है ना? अरे जोर से बोलो, मालूम है ना? अब सीमेंट जो भारत के अन्य क्षेत्रों से आती थी उस पर टोल टैक्स, लोहा आएगा टोल टैक्स, खाने पीने की चीजें आएगी टोल टैक्स। महंगाई किसकी बढ़ती थी भाई? आप लोगों की बढ़ती थी ना। मोदी जी ने टोल टैक्स को समाप्त कर महंगाई को कंट्रोल करने का काम किया है। ये तीन परिवारों ने भ्रष्टाचार करने में कोई चीज नहीं छोड़ी। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, आज मोदी जी पूरे जम्मू कश्मीर के 27 लाख परिवार को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा दे रहे हैं। 70 साल में इन तीन परिवारों ने दिया क्या? जोर से बोलिए, दिया क्या? आपको उनको पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए कि क्यों नहीं दिया भाई? पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? पूछोगे? मैं बता देता हूं क्यों नहीं दिया। क्योंकि जो कुछ भी पैसा आता था वो भ्रष्टाचार कर घर ले जाते थे। आपके लिए पैसा ही नहीं बचता था, कहां से आपके आरोग्य की चिंता करें। ये मोदी जी ने ढेर सारी नई शुरुआतें की है, मैं बाद में इस पर भी आता हूं। मित्रों करप्शन को कंट्रोल करने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो बनाया गया, विसल ब्लोअर एक्ट को यहां लागू कर दिया गया। उमंग के माध्यम से आपके मोबाइल से फरियाद लेने की शुरुआत की गई। सतर्क नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन खोल दिया गया, विजिलेंस की ऑफिस खोल दी गई और इलेक्ट्रॉनिक विजिलेंस क्लियरेंस की सिस्टम भी आ गई। माताओं, भाइयों, बहनों, पूंछ हो, राजौरी हो, अपना जम्मू हो के घाटी हो, सबसे ज्यादा रोजगारी हमारे जम्मू कश्मीर में अगर कहीं से है तो मुझे बताओ पर्यटन से है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, पर्यटन से रोजगारी आती है या नहीं आती है? मैं आज आपको एक आंकड़ा कहने आया हूं। आज तक आजादी के 75 साल में कभी भी इतने पर्यटक जम्मू कश्मीर में नहीं आए हैं। जनवरी 22 से लेकर आज तक 1,62,00,000 पर्यटक हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर आए हैं। 70 साल से हमारी मांग थी कि यहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू हो, नहीं होता था। अब मोदी जी ने श्रीनगर से शारजाह तक
सीधी फ्लाइट शुरू कर दी। रात को किसी को जाना है तो जम्मू और श्रीनगर से रात्रि की फ्लाइट नहीं थी, मोदी जी ने जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर में रात्रि की फ्लाइट करने का भी फैसला ले दिया। और ये कहते थे कि धारा 370 हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएगी। मैं आपको हिसाब देने आया हूं, पहले कांग्रेस के समय में 2006 से 2023 में जो आतंकवादी घटनाएं हुई वो 4766 थी। मित्रों कितनी थी? 4766 आतंकी घटनाएं हुई थी। और ये जाने के बाद 370 जाने के बाद 2019 से 22 में 4766 से घटकर सिर्फ 721 रह गई है। मित्रों 721 मोदी जी ने निरंतर दहशतगर्दों के खिलाफ, अलगाववादियों के खिलाफ, ये हुर्रियत वालों के खिलाफ एक कठोर मुहिम चलाई, ये इसका परिणाम। और मित्रों पहले जो सुरक्षा बलों की मृत्यु होती थी वो 1200 के आसपास होती थी, 1200 से घटकर 137 आकर रह गई है। यही बताता है कि जम्मू कश्मीर सुरक्षित हुआ है। पहले मुझे बताओ भाइयों बहनों, आए दिन पथराव के समाचार अखबार में आप पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? बोलो भाई, जोर से बोलो, सुना ही नहीं पड़ा। पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? अब पथराव के समाचार आते हैं क्या? आते हैं क्या? मोदी जी ने युवाओं के हाथ से पत्थर लेकर लैपटॉप थमाने का काम किया है, नौकरी देने का काम किया है। ये परिवर्तन जम्मू कश्मीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माताओं भाइयों बहनों, मैं रजौरी आया हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं, रजौरी में मेडिकल कॉलेज की आपने कभी कल्पना भी की थी क्या? जरा जोर से बोलो, की थी क्या? रजौरी में मोदी जी ने मेडिकल कॉलेज भेजकर न केवल यहां के बच्चों को डॉक्टर बनने का मौका दिया है, मेरे पहाड़ी भाइयों के लिए मुफ्त में इलाज हो इसकी व्यवस्था यहीं पर कर दी है, आपको किसी को जम्मू जाना नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ कठुआ, डोडा, अनंतनाग, बारामुल्ला और अपना रजौरी, ये सारे मेडिकल कॉलेज बनाए, सिर्फ रजौरी के लिए 139 करोड़ रुपया मोदी जी ने खर्च करने का काम किया है। रजौरी, थन्ना मंडी और सूरनकोट रोड 480 करोड़ रुपया खर्च कर इसको आगे बढ़ा है। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट एजुकेशन प्लान के तहत 21 करोड़ और 28 योजनाएं मोदी जी ने भेजी है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लगभग 3885 किलोमीटर के रोड बनाने का निर्णय किया है। जम्मू पूंछ राजमार्ग को 4 लेन का, अब जम्मू पूंछ राजमार्ग 4 लेन का बनना है और इसके लिए 1337 करोड़ रुपया मोदी जी ने किया है। और मैं एक महत्वपूर्ण आंकड़ा बोलना चाहता हूं, माताएं आप ज्यादा बहनें आप ताली बजाकर स्वागत करना, ये अपने पहाड़ी क्षेत्र में 20,000 से ज्यादा घरों में पहली बार बिजली भेजने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बिजली भेजने का काम 75 साल के बाद यहां की आबादी में रोशनी आई है। पहले रोशनी उनके लिए होती थी, अब रोशनी माताओं के घर में बिजली पहुंचाने के लिए हमने करी है। पूरे जम्मू कश्मीर में 3,80,000 घरों में रोशनी पहुंचाई है।
प्रधानमंत्री विकास पैकेज, इसके तहत ढेर सारे काम हमने किए हैं। मित्रों, मैं आज आप सभी को कहने आया हूं कि पूरे जम्मू क्षेत्र के विकास के लिए हमने ढेर सारे कदम जम्मू क्षेत्र के विकास के लिए हमने उठाए हैं। इसकी सूची बहुत लंबी है, बहुत कुछ तो मैं बोल नहीं सकता, मगर कुछ जरूर बताना चाहता हूं। मित्रों, कीरू योजना के तहत 624 मेगावाट पन बिजली उत्पन्न होगी। कार एचईपी के तहत 540 मेगावाट, शाहपुर कंडी के तहत 2793 मेगावाट और ऊंच के तहत 90 मेगावाट। एम्स जम्मू में लाए, आईआईटी जम्मू में आई है, भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम वो भी जम्मू में आया है, भारतीय जनसंचार संस्थान आईआईएमसी वो भी जम्मू में आया है, नीट भी, हमारी बच्चियों को नीट भी जम्मू में आया है, मेडिकल कॉलेज बनाए और जीएमसी इंस्टीट्यूशन भी जम्मू में लाए हैं। ढेर सारे विकास के काम मोदी जी यहां किए हैं और ये विकास का काम चलने वाला है। मित्रों, आज मैं एक दूसरी बात भी बताना चाहता हूं। आजादी से लेकर आज तक पूरे जम्मू और कश्मीर में 15,000 करोड़ का औद्योगिक निवेश आया था। कितना आया था जरा बोलिए भाई, बोलना पड़ेगा आपको। 15,000 करोड़ का कितना आया था, जोर से बोले कितना। 2019 से अब तक ये 72 साल में 15,000 करोड़ और ये 3 साल में 56,000 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट मेरे जम्मू और कश्मीर में आया है, क्योंकि मोदी जी ने एक औद्योगिक नीति की घोषणा की। इससे जम्मू और कश्मीर के सभी युवाओं को रोजगारी का तांता लगने वाला है और ढेर सारे सहायता समूह बनाए हैं, 4500 से ज्यादा यूथ क्लब बनाए हैं और कई सारी योजनाएं की है। लगभग 2,00,000 लोगों को जम्मू और कश्मीर में अपना घर देने का काम किया है, 5,00,000 घरों में नल से जल पहुंचाने का काम किया है, पोषण अभियान, मातृवंदना योजना और स्वास्थ्य मिशन, इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने आगे लगाया है। माताओं, भाइयों, बहनों, हम लोग, मैं यहां पर, हमारे 3 सांसद बैठे हैं, वो हमेशा लगे रहते हैं कि अमित भाई ये अटका है जरा करा दो, एलजी साहब ये अटका है करा दो, प्रधानमंत्री जी के वहां पर भी जाते हैं, और ये सब के कारण ये जम्मू कश्मीर का विकास मोदी जी की प्रायोरिटी है, इसके कारण इतना विकास हुआ है। और मित्रों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, मेरे पहाड़ी भाई आए हैं, गुर्जर बकरवाल आए हैं, मुझे बताओ भाई आप लोगों को अब तक अन्याय हुआ है या नहीं हुआ है, जोर से बोलो हुआ है या नहीं हुआ। विकास का काम तो भेज दिया, मगर पहले आपको आरक्षण मिलता था क्या? मिलता था? गुर्जर बकरवाल को भी पहले मिलता था क्या? मोदी जी ने आरक्षण के लिए 370 हटाकर रास्ता खुला कर दिया है। 370 हटने के बाद शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण का रास्ता खुला है। और मित्रों, मैं आप लोगों को कहूंगा, जस्टिस शर्मा का कमीशन बनाया है, जस्टिस शर्मा ने अपनी सिफारिशें भेज दी है और वो सिफारिशों में मेरे पहाड़ी बकरवाल और गुर्जर तीनों को आरक्षण की सिफारिश की है। मित्रों, मैं आपको कहने आया हूं, देश के प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा मन है, ये सिफारिशें जो भेजी है
उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया समाप्त होते ही गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी भाइयों को आरक्षण का लाभ मिलने वाला है। भाइयों बहनों, ये आपके जो मोदी मोदी के नारे हैं, आपका जो मोदी जी के प्रति प्यार है, यही मोदी जी को ऊर्जा देता है। और मैं साथ में बताना चाहता हूं, कुछ लोग नहीं चाहते कि इस क्षेत्र के अंदर शांति बनी रहे, उन्होंने गुर्जर और बकरवाल भाइयों को उकसाना शुरू किया कि हमारे पहाड़ी भाई आएंगे तो गुर्जर बकरवाल का कम हो जाएगा। मैं कहता हूं कि पहाड़ी भी आएंगे और गुर्जर बकरवाल का 1% भी कम नहीं होगा, किसी को चिंता करना नहीं। भाइयों बहनों, मोदी जी इस क्षेत्र का सबसे अच्छा विकास करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं पीर पंजाल की पहाड़ियों को सदियों तक आपने सुरक्षित रखा है, आपके पुरखों ने भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपना लहू बहा, और आप खुशहाल हो, देश के बाकी हिस्सों की तरह ये रजौरी और पूंछ के मेरे युवा भी रोजगारी से युक्त हो, यहां भी उद्यम लगे, यहां भी आरक्षण का फायदा मिले, यहां से भी एमएलए एमपी चुनकर जाए और किस्मत हो तो कोई प्रधानमंत्री भी बन जाए, मुख्यमंत्री भी बन जाए। माताओं भाइयों बहनों, मोदी जी पूरे जम्मू कश्मीर का संपूर्ण विकास चाहते हैं। मैं आप सबसे विनती करने आया हूं कि तीन परिवारों के शासन से एक बार जम्मू कश्मीर को मुक्ति दिला देना।